हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ ट्रिक्स एंड टिप्स, द बेस्ट प्रेगनेंसी सेंट्रिक चैनल। प्रेगनेंसी का तीसरा महीना यानी कि लगभग 9 से लेकर 13 हफ्तों का होता है। ये आपकी गर्भावस्था के पहले ट्राइमेस्टर का तीसरा महीना होता है। गर्भावस्था का तीसरा माह यानी कि वो समय जब होने वाली माँ को खुद के साथ साथ गर्भ में पल रहे शिशु का अधिक ध्यान रखना होता है। प्रेगनेंसी का तीसरा महीना काफी खास होता है। इसी महीने से आपके गर्भ में भ्रूण का जो आकार होता है वो भी बढ़ने लगता है और इस महीने से भ्रूण की किडनी, आंखें और कई अंगों का विकास होना शुरू हो जाता है। इस महीने से आपके शरीर में कई बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। इस दौरान आपको खास ख्याल रखने की जरूरत होती है क्योंकि आप जो भी खाती हैं, जो भी करती हैं, उसका सीधा असर आपके होने वाले बच्चे पर होता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि गर्भावस्था के पहले के 3 महीने बेहद ही मुश्किल होते हैं और ये गर्भवती महिला का नाजुक दौर होता है। खासतौर पर अगर कोई महिला पहली बार माँ बन रही हो, ये उसके लिए रोमांच से भरपूर ये समय तो होता ही है, साथ ही बहुत ही ज्यादा संवेदनशील और बहुत ही ज्यादा नाजुक ये दौर होता है। इस समय शिशु का विकास बहुत ही तेजी से होने लगता है और जिसे होने वाली माँ महसूस कर सकती है। दोस्तों, यही वो समय होता है जब थोड़ी सी भी लापरवाही आपको दिक्कत में डाल सकती है, इसलिए इस महीने में जरूरी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले गर्भवती महिला का इस दौरान वजन कितना हो जाता है इस बारे में बात करूं। गर्भवती महिला का अगर गर्भावस्था के शुरुआती दौर में वजन बिल्कुल सही हो यानी कि सामान्य हो तो अब यानी कि तीसरे महीने समाप्त होते होते गर्भवती महिला के वजन में 1.5 से लेकर 2 किलो का अतिरिक्त इजाफा हो जाता है। गर्भावस्था के शुरुआती लक्षणों जैसे कि मितली आना, उल्टी होना, बहुत ज्यादा थकान लगना, अनिद्रा होना या फिर भूख न लगना इत्यादि, इन समस्याओं से गर्भवती महिला को आराम मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, क्योंकि आपके गर्भाशय का बढ़ना जारी होता है, इसलिए अगले कुछ हफ्तों में आपका बढ़ा हुआ पेट दिखना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आपका गर्भस्थ शिशु बड़ा हो जाता है तो अतिरिक्त वजन आपकी पीठ और श्रोणि क्षेत्र में दबाव डालते हैं, तो इसलिए हर दिन कुछ टाइम निकाल के व्यायाम जरूर करना चाहिए। गर्भावस्था के तीसरे महीने तक गर्भाशय का आकार एक अंगूर के जितना हो जाता है। पेट ही नहीं, तीसरे महीने तक शरीर में और भी कई बदलाव आते हैं। इस दौरान स्तन भारी हो जाते हैं और स्तनपान कराने के लिए तैयार होने लगते हैं। निप्पल के आसपास का रंग और भी ज्यादा गहरा हो सकता है। इस दौरान दोस्तों, आपके शरीर की जो नसें होती हैं वो आपको दिखाई देने लगती है। जैसे ही आपके शरीर में रक्त की मात्रा बढ़ जाती है तो आपका दिल तेजी से पंप होने लगता है और इससे स्तनों पर नसें दिखाई देना भी आम बात होती है। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी के तीसरे माह तक गर्भवती महिला का वजन जो है 1 से लेकर 2 किलो तक बढ़ता है, क्योंकि अभी भ्रूण जो होता है वो बहुत छोटा होता है, तो इससे आपका ज्यादा वजन नहीं बढ़ता है। लेकिन कुछ महिलाओं को इस दौरान मॉर्निंग सिकनेस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से उनका वजन भी नहीं बढ़ पाता है। गर्भावस्था के तीसरे महीने से पेट और स्तनों के बढ़ने पर स्ट्रेच मार्क भी नजर आ सकते हैं। दोस्तों, इस महीने हार्मोन्स में परिवर्तन होने के कारण आपकी त्वचा रूखी हो सकती है, उसमें खारिश हो सकती है। इस हार्मोन्स बदलने से त्वचा सूखी पड़ जाती है और जिससे कि खुजली होती है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के तीसरे महीने से ही पेट पर लीनिया निग्रा नामक एक लाइन भी नजर आने लगती है और ये गर्भावस्था में होने वाले हार्मोन्स के बदलाव के चलते नजर आती है, जिससे कि पेट के निचले भाग पर एक काले रंग की लकीर उभरने लगती है। तो दोस्तों, जैसे जैसे आपके शरीर हार्मोन्स के स्तर के साथ अपने आप को एडजस्ट करता चला जाता है और आप धीरे धीरे अच्छा महसूस करने लगती हैं। और दोस्तों, इसी समय से गर्भावस्था का निखार दिखना भी शुरू हो जाता है और आपके बाल घने और शानदार दिखने लगते हैं। जो समस्याएं इस दौरान गर्भवती महिलाओं को झेलनी पड़ती हैं, उसमें पेट दर्द की समस्या इस दौरान गर्भवती महिलाओं को हो सकती है, क्योंकि तीसरे महीने में शिशु का आकार बढ़ने लगता है और गर्भाशय में खिंचाव के कारण पेट में दर्द होता है। इसके साथ ही मांसपेशियों में ऐंठन और खिंचाव भी महसूस होता है और हार्मोन्स के बदलाव के कारण पीठ में भी दर्द रहता है। दोस्तों, जैसे जैसे गर्भावस्था के महीने बढ़ते हैं, वैसे वैसे अधिकतर महिलाओं में एसिडिटी की समस्या भी बढ़ जाती है। इस दौरान डाइजेशन सिस्टम जो होता है वो वीक होने लग जाता है, तो कुछ महिलाओं को इस महीने में अधिक खाने का मन करता है तो कुछ महिलाओं को इस दौरान कुछ भी खाने का मन नहीं करता है और उन्हें हर चीज में बहुत अधिक सुगंध महसूस होती है। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को कब्ज की समस्या बढ़ जाती है, साथ ही गर्भावस्था के तीसरे महीने में
महिलाएं खुद को सुस्त और थका हुआ महसूस भी करती हैं। इतना ही नहीं, कई महिलाओं को इस दौरान जी मचलाना, उल्टी आना, बार बार बाथरूम आना जैसी समस्याएं लगातार बनी रहती हैं। कई महिलाओं को इस दौरान काफी चिड़चिड़ापन भी हो जाता है। गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना और किसी से बात न करने का मन इत्यादि होना, ये सारी समस्याएं गर्भवती महिलाओं को इस दौरान होती हैं। अब बात करते हैं गर्भ में पल रहे शिशु के विकास के बारे में। गर्भ में शिशु के विकास की बात करें तो 3 माह के अंत तक आपके गर्भ में शिशु का आकार अब मटर की फली के जैसा हो गया होता है। आपके शिशु का वजन अब लगभग 23 ग्राम हो गया होता है और उसकी लंबाई तकरीबन 7 से लेकर 8 सेंटीमीटर यानी कि लगभग 3 इंच तक हो गई होती है और उसके शरीर की कुल लंबाई का 1/3 हिस्सा उसके सिर का होता है। इसी महीने शिशु की हाथ और पैरों की उंगलियां और नाखून भी विकसित होने लगते हैं और बच्चे की मांसपेशियां, मसूड़े, हड्डियां, उपस्थियां भी बनने लगती हैं। बच्चा अपने हाथ पैरों को हिलाना डुलाना शुरू करने लगता है, लेकिन उसके बहुत छोटे होने के कारण ये सभी गर्भवती महिलाएं अभी महसूस नहीं कर पाती हैं। शिशु का चेहरा भी पूरी तरीके से बन गया होता है और बच्चा अंगूठा चूसना, मुट्ठी चूसना भी शुरू कर लेता है और इसी दौरान शिशु मूत्र त्याग भी करने लगता है। शिशु एमनियोटिक द्रव निगलना शुरू कर रहा होता है और ये द्रव अधिकांशतः पानी ही होता है, मगर इसमें पोषक तत्व भी होते हैं जिन्हें शिशु अवशोषित करता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट्स। और जो द्रव बच जाता है उसे शिशु के गुर्दे, पेशाब में बदल देते हैं, जिससे शिशु फिर से एमनियोटिक द्रव में निकाल देता है। इस माह बच्चे के अंग और सिस्टम डेवलप हो रहे होते हैं और बच्चे का सेक्स भी बनके विकसित होना शुरू हो जाता है। हालांकि अल्ट्रासाउंड टेस्ट के द्वारा अभी भी इसे नहीं देखा जा सकता है। यदि आपके गर्भ में पुत्र है तो उसके वृषण अब बन गए होते हैं और उसका लिंग भी बनके बढ़ने लगता है। यदि आपके गर्भ में पुत्री है तो उसके अंडाशय का बनना अब पूरा हो चुका होता है और उनमें करीब 20 लाख अंडे मौजूद होते हैं। तो इस तरीके से गर्भ में 3रे महीने में बच्चे का विकास हो रहा होता है। इस दौरान गर्भवती महिला अपने पेट में थोड़ा बहुत गोलाई महसूस कर सकती है। इस दौरान गर्भवती महिला के आहार की बात की जाए, खानपान की बात की जाए, तो दोस्तों गर्भवती महिलाओं को 3रे महीने में सबसे ज्यादा कब्ज की समस्या हो जाती है। ऐसे में फाइबर युक्त आहार खाने से गर्भवती महिलाओं में कब्ज की समस्या से निजात पाया जा सकता है। इसके लिए अधिक पानी पिए, नारियल जूस पिए, फल, सब्जियां और सलाद का सेवन करिए। विटामिन गर्भवती महिला और गर्भ में पल रहे शिशु के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, तो इस दौरान आप साबुत अनाज, अंडे, हरी पत्तीदार सब्जियां इत्यादि खूब खाएं। इसके साथ ही अपने भोजन में प्रोटीन युक्त आहार को शामिल करिए, जैसे कि पनीर, अंडे और दूध इत्यादि। विटामिन B6 से भरपूर खाद्य पदार्थ भी इस दौरान गर्भवती महिलाओं को जरूर खाना चाहिए, क्योंकि इस दौरान गर्भवती महिलाओं को मचलाने की बहुत अधिक समस्या हो जाती है। दोस्तों इस दौरान अगर आप फल और ताजे फलों का रस पीती हैं तो आपको इस दौरान छोटी मोटी जो भी समस्या होती है उनसे काफी हद तक राहत मिलती है। तो गर्भावस्था में ताजे फलों का जूस पीना भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। कार्बोहाइड्रेट गर्भावस्था में लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए आप साबुत अनाज के साथ साथ गेहूं के आटे की बनी ब्रेड, चावल, आलू, बीन्स इत्यादि अपने खानपान में जरूर शामिल करिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट शिशु के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप मांसाहारी हैं तो गर्भावस्था के दौरान मीट का सेवन आप कर सकती हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि मीट आपको कभी भी अधपका नहीं खाना है। अच्छे से धोकर और इसे अच्छे से पकाकर ही इसका सेवन इस दौरान करना चाहिए। आयरन और फोलेट गर्भ में बच्चे के विकास के लिए ये दोनों बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इसकी कमी से शिशु को कई तरीके के शारीरिक विकार होने का खतरा बन जाता है, इसलिए अपने खानपान में आयरन और फोलेट को जरूर शामिल करिए। इसके लिए आप चुकंदर खाइए, चीकू, ओटमील, बीन्स, संतरा, आलू, ब्रोकली, अंडा, हरी सब्जियां इत्यादि खानपान में शामिल करिए। कैल्शियम इस दौरान गर्भ में पल रहे शिशु के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो इसलिए आप अपने खानपान में डेयरी प्रोडक्ट्स को जरूर शामिल करिए। दूध, दही, पनीर, घी इत्यादि का सेवन जरूर करिए। शिशु की हड्डियों के विकास के लिए और आपकी खुद की हड्डियों की मजबूती के लिए आपके लिए कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब दोस्तों आपको बता दूं कि गर्भावस्था के 3रे महीने में आपको क्या नहीं खाना है। आपको जंक फूड का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इसको आप बिल्कुल और तुरंत से बंद कर दीजिए। शराब और सिगरेट का सेवन बिल्कुल ना करिए। गर्भावस्था के 3रे महीने में आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करिए। तला भुना, फास्ट फूड इत्यादि से परहेज करिए, क्योंकि इनसे आपको कोई भी पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके गर्भ में शिशु स्वस्थ रहे, उसका विकास अच्छे से हो, तो इस दौरान शराब, सिगरेट, तंबाकू इत्यादि से परहेज करिए। विटामिन सी थोड़ा सा कम मात्रा में लीजिए, क्योंकि इस दौरान मिसकैरेज होने के चांसेस बन जाते हैं अगर आप बहुत अधिक खट्टा
खट्टा खाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं या फिर अगर चॉकलेट खाते हैं तो इनका सेवन भी कम कर दीजिए, क्योंकि इनमें कैफीन पाया जाता है जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। अगर आप सी फूड खाते हैं तो इस दौरान सी फूड खाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इनमें उच्च मरकरी हो सकती है जो कि भ्रूण के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। इस दौरान दोस्तों पैक्ड फूड से बचना चाहिए, जो डिब्बा बंद खाना होता है, जो डिब्बा बंद चीजें होती है उनको नहीं खाना चाहिए, चाहे फिर वो अचार हो या फिर जूस, क्योंकि दोस्तों इनको लंबे समय तक चलाने के लिए इनमें कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं जो सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। कच्चा मांस और कच्चे अंडे इस दौरान गर्भवती महिलाओं को नहीं खाने चाहिए, इसमें साल्मोनेला व लिस्टेरिया नामक बैक्टीरिया होता है जो भ्रूण पर बुरा प्रभाव डालते हैं। प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में जो जरूरी टेस्ट कराने चाहिए उनकी बात करें तो इस दौरान सबसे पहले आपका वेट चेक किया जाता है, आपके रक्तचाप की जांच होती है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई या फिर लो तो नहीं है, शुगर और प्रोटीन के लेवल को जांचने के लिए इस दौरान यूरिन टेस्ट कराया जाता है, इससे ये पता चलता है कि आपको कोई संक्रमण तो नहीं है, तो इसलिए इस दौरान यूरिन टेस्ट होता है। दोस्तों इस दौरान ब्लड टेस्ट भी होता है जिससे कि खून में हीमोग्लोबिन और अनीमिया का पता लगाया जाता है। कई महिलाओं को हाथ और पैरों में सूजन आ जाती है तो इसलिए इस दौरान फ्लूइड रिटेंशन टेस्ट भी ऐसी महिलाओं का कराया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कैन होता है जो कि 12वें या फिर 13वें हफ्ते में करवाया जाता है, जिसे कि एंटी स्कैन कहा जाता है, जिससे शिशु के सिर के पीछे के द्रव को जांचा जाता है ताकि डाउन सिंड्रोम का पता लगाया जा सके, जिसके कारण शिशु का विकास प्रभावित हो सकता है, क्योंकि दोस्तों 100 में से एक या फिर दो शिशु में तंत्रिका ट्यूब दोष, एक प्रकार का जो मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी से संबंधित दोष होता है, ये हो जाता है तो इसकी जांच के लिए शिशु के सिर के पीछे मौजूद तरल की जांच की जाती है, तो ये अल्ट्रासाउंड इस दौरान कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और इस अल्ट्रासाउंड की मदद से गर्भाशय में प्लेसेंटा की स्थिति और एमनियोटिक द्रव का पता लगाने में भी काफी मदद मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों गर्भावस्था के तीसरे महीने में कौन कौन से व्यायाम गर्भवती महिलाओं को करने चाहिए। इस दौरान दोस्तों सबसे पहली और जरूरी बात कि गर्भावस्था के शुरुआती दौर से ही आपको वॉकिंग जरूर करनी चाहिए, ये सबसे अहम और सबसे मुख्य व्यायाम आपके लिए होता है। इसके अलावा वेट ट्रेनिंग, रनिंग, स्विमिंग और पिलेट्स व्यायाम करना बहुत ज्यादा फायदेमंद गर्भवती महिलाओं के लिए होते हैं। दोस्तों इस दौरान गर्भवती महिलाओं को बहुत ज्यादा सावधानियां रखनी चाहिए कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु स्वस्थ रहे, उसे गर्भ में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, तो इसके लिए आपको पूरा आराम करना चाहिए। अगर आप घर का काम नहीं कर पा रहे हैं तो किसी अन्य व्यक्ति की मदद लीजिए। सोते समय ध्यान रखिए कि बाई करवट लेकर आप जितना सोएंगे उतना आपके लिए और आपके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए फायदेमंद रहेगा। अपनी सोच को दोस्तों इस दौरान सकारात्मक रखें, गर्भावस्था में किसी भी तरीके की अफवाह या फिर भ्रम पर विश्वास न करें। पौष्टिक आहार खाइए, संतुलित आहार खाइए और पानी कम से कम 8 से लेकर 10 ग्लास रोजाना दोपहर के समय जरूर पीजिए, और जो डॉक्टर ने आपको सप्लीमेंट्स बताए हैं उनका सेवन करना बिल्कुल ना भूलिए। अपनी दवाइयों को टाइम पर लीजिए और अपने डॉक्टर से विजिट जो आपकी है महीने दर महीने उनको कंटिन्यू रखिए, स्किप बिल्कुल ना कीजिए। इस दौरान दोस्तों हाई हील इत्यादि ना पहनिए, आप फ्लैट और आरामदायक चप्पल पहनिए। अगर आप स्टीम बाथ लेती हैं तो इस दौरान आप स्टीम बाथ को लेना पूरी तरीके से अवॉइड कर लीजिए, क्योंकि इससे बॉडी के टेम्परेचर में चेंज आता है। ओवर ईटिंग दोस्तों इस दौरान ना कीजिए। आप ये ना सोचिए कि आपको दो लोगों के लिए खाना है, आप अपने खाने को 3 टाइम की जगह 6 टाइम में डिवाइड करिए। कम कम अंतराल में लेकिन थोड़ा थोड़ा भोजन आप इस दौरान जरूर करिए, इससे आपको एनर्जी मिलती रहेगी और आपका डाइजेशन सिस्टम भी सही बना रहेगा। और साथ ही दोस्तों अंत में एक बात बताना चाहूंगी कि इन दिनों यानी कि गर्भावस्था के तीसरे महीने में अपने पार्टनर के साथ फिजिकल बिल्कुल भी ना होइए, क्योंकि इस दौरान आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है। अगर आप सही तरीका अपनाएंगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आपका तरीका थोड़ा भी गलत होता है तो मिसकैरेज होने के चांसेस हो सकते हैं। बच्चों की अच्छी अच्छी तस्वीरें या पोस्टर अपने कमरे में जरूर लगाइए और दोस्तों पहली तिमाही की तरह बाकी के महीने भी आसानी से गुजर जाएंगे। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी गर्भावस्था के तीसरे महीने के बारे में। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और हमारे इस चैनल हेल्थ ट्रिक्स एंड टिप्स पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बेल बटन प्रेस करिए नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी।